हाँ जी, तो सबसे पहले ये है जाफड़ी, ये 30 का, ये वाला 30 रुपए का भी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। देखिए गाइस, ये 30 रुपए में भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप यहाँ पे आकर इसको ले सकते हैं। देखिए काफी अच्छा पौधा ये मुझे लग रहा है, आप एक बार देख लीजिए। और आगे बात करते हैं तो ये गेंदा है, ये गेंदे का फूल है, ये भी 30 का ही है। ये भी 30 रुपए में, आपको केवल 30 रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप आके यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे पौधे की बात करें तो तीसरा कौन सा पौधा ये होगा? मोगरा है, ये वाला मोगरा है। ये ये देखिए 50 का गाइस, है। ये 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा यहाँ पे केवल मोगरा। और अब अगले पौधे की अगर हम बात करें तो डेलिया इसका नाम डेलिया है, है। ये कितने 50 का का भैया? है, पचास ये का है। 50 का है, 50 रुपए का है गाइस। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप आके ले सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे काफी सारे पौधे हैं गाइस, आप देख सकते हो। ये भी 30 का ही है। ये सारे 30 रुपए में आपको मिल जाएंगे। क्या क्या नाम है भैया इसके, बताइए। करोंडोला, करोंडोला, इस वाले का नाम करोंडोला। कोरंडोला, और इसका, इस वाले का क्या नाम होगा? ये डेंडरस है, डेंड्रेस है। और ये वाले का नाम क्या होगा? ये जो छोटा सा है वो जट है, जट है, ओके। और ये वाला? अच्छा, वो एक ही है, तो और ये वाला कितने का होगा? ये 30 का ही है। ये भी सारे 30 के हैं, ये भी सारे जितने भी लगे 30 के हैं ना हाँ, ये? ये भी 30 का ही है। अच्छा, ये वाला भी 30 रुपए का मिल जाएगा करी आपको। पत्ता भी 30 का ही है। कड़ी पत्ता गाइस, घर में अगर जो आप लगाने के शौकीन हैं तो उनको पता ही है कड़ी पत्ता खाने में इस्तेमाल होता है, तो ये भी 30 रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे बात करें तो ये कौन सा है भैया? ये लालटेना है जी, ये लालटेना है गाइस, आप देख सकते हैं। 50 रुपए में आपको ये लालटेना यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए कितने अच्छे छोटे छोटे फूल हैं इसमें, काफी अच्छे लग रहे हैं, आप आके यहाँ पे 50 रुपीज में ले सकते हैं। ये देखिए सारे लालटेना है। करोटन 70 का है, ये कोरोटन है गाइस, 70 रुपए में आपको केवल मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए ये फूल वाला पौधा नहीं है ना ये? नहीं, ये नॉर्मल ऐसी है। फूल वाले पौधे भी हैं बरसीना हमारे पास, है। बरसीना, ये वाला। हाँ जी, ये कितने का होगा ये भैया? भी 70 का ही है। ये 70 रुपए में आपको केवल यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों आके आप ले सकते हो, अवेलेबल है यहाँ पे। और बर्बीना 30 का है। हाँ अच्छा, ये 30 रुपए में मिल जी, जाएगा। बर्बीना। ये वाला, ये जो छोटे छोटे हाँ जी फ्लावर्स, हाँ जी हाँ जी। ये 30 रुपए में केवल आपको मिल जाएगा। देखिए गाइस कितना शानदार लग रहा है ये, आइए और यहाँ पे आके अजवाइन लीजिए। है 20 का। ये अजवाइन का पौधा है, हाँ जी हाँ जी। अजवाइन का पौधा है गाइस, ये 20 रुपए में केवल आपको 20 रुपए में मात्र यहाँ पे मिल रहा है। 20 रुपए में पौधा मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, आके यार लोग। फाइकस है, फाइकस है, 60 का है, ये वाला 60 रुपए का है। हाँ जी हाँ जी। ये 60 रुपए में आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वाला कितने का मिलेगा? ये सब एक ही रेट का ही है। ये सारे 60 रुपए में मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं काफी पौधे हैं। और बात करें तो ये वाला गुलदावरी 100 गुलदावरी, का। ये 100 रुपए में मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। ये वाला 100 रुपए में मिल जाएगा। देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं इस पे। ये देखिए, ये वाला कितने का मिल जाएगा? पिंक वाला जो है, ये भी 100 का ही है। ये भी 100 का ही है, ये भी 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। देखो गाइस, थोड़ा आगे से दिखा देता हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी बात करें तो इस वाले की, ये 60-60 का है। ये भी 60 का है, और इससे पीछे वाला भी 60 का है। हाँ जी हाँ जी। देखो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं यार। ये शमी है 50 का। ये 50 रुपए में आपको शमी का पौधा मिल जाएगा यहाँ पे। शमी के पौधे में फूल वगैरह आते हैं या नहीं आते? हाँ आता है, वो आता है, बढ़ता है तब, जब बड़ा हो छोटा जाता है। अपना बड़ा फूल होता है वो। अच्छा, छोटे फूल जब होते हैं तब आते हैं भैया, जैसे कह रहे हैं कि जब छोटे फूल होते हैं भैया तब आते हैं हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो और अगर आपके पास कौन कौन सी वैरायटी को देखने को हमें मिल जाएंगी पौधे की? कचुंजुला है, 50 का है। कचनजुला मिल जाएगा, ये वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखो गाइस, ये 50 रुपए में आपको मिल जाएगा कचनजुला। और इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है? ये सिर्फ पत्ता ही है इस कलर में बस। अच्छा, ये पत्ता ही है, इसमें बस पत्ते आते हैं, इसमें फ्लावर्स वगैरह कुछ नहीं आते हैं। ये कितने का मिल जाएगा? ये 50 का ही है। 50 का ही है, ये भी 50 में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से, ये देसी गुड़हल है। अच्छा, गुड़हल, गुड़हल का फूल हाँ जो आते हैं गाइस, हाँ जी हाँ जी इसी हाँ। पे आते हैं। ये कितने का मिल जाएगा? ये भी 40 का ही है। 40 रुपए में आपको केवल मात्र 40 रुपए में यहाँ पे मिल जाएगा गुड़हल का फूल। और बात करें तो और कोई वैरायटी हो, काफी फूल हैं यहाँ पे, उसका बाद पौधे हैं। बतल पाम। बतल पाम, ये वाला? हाँ जी हाँ जी। ये कितने का है? 120। 120 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। और उसका बात बाद करें तो ये वाला कौन सा पौधा है? ये काफी अच्छा सा लग रहा है मुझे, ये नागफनी है। नागफनी है गाइस। देखिए इसका जो पौधे की जो शेप है, एक तरीके से नाग की तरह है। हाँ, ताकि इसी का नाम, इसका नाम तभी नागफनी रखा गया। ये कितने का होगा? ये 100 रुपया का है। 100 रुपए में आपको मिल जाएगा केवल। और अगर बात करें तो ये वाला पौधा, ये तो वही है गुलदावरी वही है। है। अच्छा, गुलदावरी है। अच्छा,
तो यहाँ पे मैक्सिमम जो मनी प्लांट ये भी ले लीजिए। कौन सा मनी प्लांट जी? अच्छा ये कितने का होगा? ये 250 का है जी। 250 रुपए में आपको मनी प्लांट यहाँ मिल जाएगा। और ये बड़े पत्ते वाला है छोटे पत्ते वाला है? दो आते हैं ना इसमें, बड़े आता है। अच्छा ये बड़े पत्ते वाला है गाइस, देख सकते हैं। और एलोवेरा वगैरह के भी हैं यहाँ पे पौधे वगैरह? वाला भी है येरा, येरा एलोवेरा गाइस, देखो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एलोवेरा। ये पॉट समेत 50 रुपए में आपको केवल मिल जाएगा, पॉट के समेत पॉट भी मिल जाएगा आपको इसके साथ 50 रुपए में एलोवेरा मिल जाएगा। बहुत सारे पौधे हैं गाइस, सारे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए गाइस बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे, आप आके यहाँ पे विजिट करो इनकी नर्सरी पे और आके लेके जाओ यार, काफी अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको सारी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला कितने का है? 200 का है। ये कौन सा है भैया? एरी पाम। अच्छा ये 200 रुपए में एरी पाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और इसमें फूल वूल नहीं आते ना, ये ऐसी है प्रॉपर। ये देख लो आप एक बार कैसा है। और अगर देखिए इनके पास फूल पौधों के अलावा जो नीचे पॉट्स होते हैं गमलों के, वो भी मिलते हैं। तो भैया ये जो गमले मैं देख रहा हूँ, ये किस चीज के बने हुए हैं और ये कितने के आप दे रहे हो? चीनी मिट्टी का बना हुआ है। अच्छा चीनी मिट्टी का 50 से चालू है, 50, 60। अच्छा अच्छा एक बार बताओगे अंदाजा आप कौन सा कितने का है इसमें से, कोई भी बताएंगे आप? देखिए हाँ, 80 का है ये, 80 रुपए में आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये 70 का है, ये 70 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये 50, ये 50 रुपए में मिल जाएगा गाइस। काफी अच्छी डिजाइन में मुझे लुक में लग रहे हैं, आप आइए और यहाँ पे लेके जाइए। और अगर बात करें तो ये कितने का है? ये 80 का है, 80 रुपए में मिल जाएगा। ये प्लास्टिक के होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये प्लास्टिक वाले गमले का है। अच्छा ये टांगने वाले गमले हैं जो टांगते हैं? अच्छा अच्छा ये 100 का है। ये गाइस ऐसे टंगते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं, ऐसे टंगे होते हैं ये, ऐसे आप अपने घरों पर टांग सकते हैं इन्हें, बहुत अच्छे लगते हैं यार ये। और मैं आपको बात करूं तो दिखाऊं, ये डग है। अच्छा ये डग है? हाँ जी, 200 का। 200 का है। अच्छा ये किस चीज के मटेरियल का बना हुआ है? ये चीनी मिट्टी का ही। अच्छा ये चीनी मिट्टी का है, एक बार आप देख लो यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये देखो आप कितना अच्छे बने हुए हैं इसमें डिजाइन। ओ वाओ, ये देखिए गाइस, ये उल्लू का पॉट आपने शायद पहली बार ही देखा होगा। ये 450 रुपए का है? हाँ जी, हाँ जी। 400 रुपए मिल जाएगा आपको ये। और ये तुलसी का पॉट है, ये कितने का होगा? ये 350 का है। ये 350 का एक पीस आपको मिल जाएगा। और ये भी वही उल्लू वाला जो हम आपको दिखा चुके हैं। और ये बात करें तो इसके एलिफेंट वाले की, जो एलिफेंट वाला है, 140 रुपए में आपको मिल जाएगा। पीछे मैं ये मोर वाले भी देख रहा हूँ, ये कितने के होंगे? 150 का एक पीस। 150 रुपए में एक पीस आपको मिल जाएगा। और इसके पीछे की ये येलो वाला भी है, ये कितने का है भैया? 300 का है जी। ये 300 रुपए में मिलेगा आपको एक पीस। और ये बात करें तो इसकी, ये 150 का, ये 150 वाले हैं सारे। ये 80 रुपए में मिल जाएगा आपको, ये वही मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये ब्राउन वालों की बात करें, वो 200 का है, 200 रुपए में मिलेगा आपको ये ब्राउन वाले। और ये भी सेम रेट के? हाँ जी, हाँ जी, वो 300 का। ये दोनों 300 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ नीचे वाले। और ये देखो आप, ये वाला कितने का होगा? 150 का ही। ये आपको 150 रुपए में मिल जाएंगे। देखिए काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे चीनी मिट्टी के। और ये वाले, ये वाला तो वही है सेम है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। और ये सब, ये कितने का मिल जाएगा? वो भी 300 का ही। ये भी आपको 300 रुपए में मिल जाएगा गाइस। तो मतलब स्टार्टिंग रेंज कितने से स्टार्ट होती है अगर पॉट्स की बात करें तो? यहाँ पे जितने भी पॉट्स रखे हैं स्टार्टिंग 300 से चालू है। 300 से चालू है जितने भी पॉट्स यहाँ रखे हैं, 300 रुपए में से चालू होते होते कितनी तक वैरायटी जाती है आपके? कितने? 150 तक जाके आखिरी। 150 रुपए से 100 तक आखिरी। 100 रुपए में आपको पॉट यहाँ मिल जाएगा। अच्छा चीनी मिट्टी का, बढ़िया। ये सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ, काफी अच्छे अच्छे पॉट्स चीनी मिट्टी के बने हुए हैं सारे। और बहुत अच्छे हैं, बहुत काफी अच्छे मुझे लग रहे हैं, देख लो आप। और यही मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे आके एक बार विजिट करो और इन को एक बार देखिए और लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे पॉट्स। देखिए आप, और आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे भी रखे हुए हैं भैया ये कुछ, ये वाले सब भी 150 का ही है। ये भी 150 के हैं? ये भी देख लो आप यार, 150 रुपए के हैं ये भी सारे। और ये भी 150 का है। और ये वाले इनकी बात करें तो ये बड़े बड़े जो रखे हैं वो सब 150, 170, 200। अच्छा 150, 170, 200। अच्छा 80, 90, मतलब सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। आप एक बार विजिट करिए। बाकी डिटेल्स जो है भैया आपका, भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भैया का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप फोन करके पूछ भी सकते हो। अच्छा ये भैया यहाँ पे खाद वगैरह का पैकेट भी मिल जाता है अगर किसी को लेना हो तो। अच्छा ये वर्मी कंपोस्ट का, ये कितने किलो का है और कितने का मिल जाएगा? ये 5 किलो का 50 का है। 5 किलो का 50 रुपए मिल जाएगा केवल। और ये क्या है भैया? कोकोपीट
कोकोपिट, कोकोपिट काफी मशहूर है तो लोग इसलिए लेना चाहते हैं। ये कितने मतलब कितने किलो का है, कितने का पड़ेगा ये? एक सिल्ली 400 का, ये एक सिल्ली मैंने 4 किलो का है, 300 का। 4 किलो की एक सिल्ली है ये, और ये 300 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। और भैया अगर 4 किलो से किसी को कम लेना हो तो वो ले सकता है या फिर नहीं? हाँ ले सकता है। ले सकते हैं, खुले भी बेच देते हो आप ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, खुला अगर किसी को लेना हो जैसे आधा एक किलो, तो उसका अलग रेट होगा, ठीक है। ये पैकेट जो है पूरा 4 किलो का 300 रुपए का मिल जाएगा कोकोपिट का। और बात करें तो और क्या होगा भैया? ये बाकी सारे गमले ही हैं, पौधे हैं सारे, आप देख सकते हो। देखिए आप, ये सब एलोवेरा वगैरह है, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। खाद वगैरह प्रॉपर, यहाँ पूरी प्रॉपर ये नर्सरी है गाइस, यहाँ पे आके आप एक बार विजिट करो। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर में भैया का मिल जाएगा। कुछ पूछना हो किसी पौधे के बारे में, गमले के बारे में, आप आके यहाँ पे पूछ सकते हो। ये देखो यार, काफ़ी अच्छी पौधा वगैरह मिल रहा है। काम आता है ये टांगने के, मतलब रखने के लिए ना, पौधा लगा के टांग सकते हैं ग्रिल। अच्छा, ये कितने? 70 रुपए का आएगा ये? 70 रुपए में आपको मिल जाएगा ये, केवल टांग के आप ग्रिल वगैरह में पौधे को लगा सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे तो इतने सारे पौधे हैं आपके पास, अगर जैसे कि अगर किसी को कोई और पौधा मंगाना है, पेड़ मंगाना है, तो अगर किसी को पौधा ऑर्डर पे मंगाना पड़ता है, जैसे अगर कोई मुझे पौधा मंगाना है और यहाँ पे नहीं है, तो वो आप मंगवा देते हो? हाँ जी, मंगवा देते हैं। मंगवा देते हैं, अच्छा। तो उसका जो प्राइस वगैरह होगा वो आपको मंगवाने के बाद ही पता चलेगा, है ना? और अगर जैसे किसी कोई यहाँ पे दूर पड़ता है, किसी को कोई यहाँ पर आ नहीं पाता, किसी को होम डिलीवरी वगैरह करानी हो, तो वो हो सकती है? हाँ जी, वो भी हो जाएगी होम डिलीवरी। होम डिलीवरी की आप एक्स्ट्रा चार्ज लोगे ना? हाँ जी, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे गाइज, और होम डिलीवरी आपके घर पे पौधा पहुंच जाएगा, जो भी पौधा आप बोलोगे। फोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप एक बार कंसल्ट कर सकते हो भैया से, ठीक है। बाकी यहाँ का एड्रेस है किशन कुंज। अच्छा, हाँ, गली नंबर 2, ठीक है, गली नंबर 2 में किशन कुंज। हाँ जी, अच्छा, ये नर्सरी का नाम क्या है पूरा? नर्सरी का नाम है दिया बाटी। अच्छा, जो टाइमिंग्स वगैरह क्या रहती है यहाँ की? सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, ठीक है। अच्छा भैया, ये 7 दिन खुली रहती है या फिर कभी छुट्टी वगैरह भी होती है? नहीं, 7 दिन खुला रहता है। 7 दिन खुला रहता है, छुट्टी वगैरह कभी नहीं होती। फेस्टिवल्स वगैरह भी बंद रहता है या फिर नहीं? खुले रहता है, मतलब 7 दिन खुला रहेगा। और टाइमिंग है 9 से 6। एड्रेस आपने बता दिया किशन कुंज वगैरह, और कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बता दो। नंबर ले लीजिए 8800 735 951, ठीक है भैया। गाइज, आपने नंबर सुनी लिया होगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, टाइमिंग और सब जितनी भी डिटेल्स है मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। और वीडियो को एक बार बोल दो क्या करना है। क्या करना है? वीडियो शेयर कर देना अच्छे से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइज। थैंक यू।